हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन द क्लास ऑफ लीनियर एल्ज्रा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जो कि छोटा सा चैप्टर लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन ग्रुप के बारे में हम फिफ्थ uh, सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं अब जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक रिलेट करता है क्या होता है सबसे पहले हम क्वेश्चन uh, जो स्पेस के लिए हमें चाहिए कोसेट और कोसेट क्या होते हैं हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं ओके सो कोसेट की आपको डेफिनेशन बतानी है तो जैसे हम uh, यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन ग्रुप पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने कोसेट्स पढ़े थे ठीक है क्या होता है क्वेश्चन ग्रुप हमने फाइंड आउट किया था जी मोड एच क्वेश्चन ग्रुप होता है वेयर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एच क्या होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोसेट इन वैक्टर स्पेस ओके सो कोसेट को क्या बताइएगा W हमारे पास है सब स्पेस ऑफ V इफ़ W इज सब स्पेस सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ वैक्टर स्पेस वी का हमने सब स्पेस लिया टेन डब्ल्यू प्लस यानी कि डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अब ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ वी प्लस यानी वैक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहां पर क्या होगा अबिलियन ग्रुप सब ग्रुप यहाँ पे आप बता दीजिए बल्कि क्योंकि जब हम वैक्टर स्पेस पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है वेक्टर स्पेस में जो V होता है ये क्या होता है अबिलियन ग्रुप होता है अबिलियन सेटिस्फाई करता है ना तो V अबिलियन ग्रुप है तो W प्लस यानी कि W विद टू एडिशन सब ग्रुप होगा किसका ऑफ अबिलियन अबिलियन ग्रुप अबिलियन ग्रुप V प्लस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होना चाहिए ना तो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन दोनों के सेम होते हैं क्लियर अब यहाँ से ये समझिए अगर मैं यू नंबर लेकर चलती हूँ वी में ध्यान से देखिएगा कॉशेट होता क्या है अगर यू नंबर मैंने लिया वी में देन अगर आप इसको लिखोगे डब्ल्यू प्लस यू या फिर यू प्लस डब्ल्यू एक को आपने डब्ल्यू के राइट में ऐड किया किसका नंबर वी का नंबर ठीक है और एक नंबर को आपने लेफ्ट में ऐड किया डब्ल्यू के V के नंबर को तो इसको हम कहेंगे W प्लस यू इज कॉल्ड इज कॉल्ड राइट कॉसेट राइट कॉसेट है ना और U प्लस डब्ल्यू दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कॉसेट ठीक है तो ये आ जाएगा लेफ्ट कॉसेट Clear that? तो हमने देखा कॉसेट क्या होना चाहिए क्या क्या होती है है का 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 होगा अगर मैं लेकर चलती हूँ वी का नंबर लिया देन w प्लस यू को हम कहेंगे राइट right कोसेट u प्लस डब्ल्यू को हम कहेंगे left को अब देखिए हमने क्या कहा यहां से कि v जो है वो group है वो इज एंड अबिलियन ग्रुप और अगर अबिलियन ग्रुप है तो इसके जो नंबर्स होंगे कमिट करेंगे ठीक है अगर अबिलियन ग्रुप है तो आप यहां से बता सकते हो अब देखो डब्ल्यू सब स्पेस है वी का तो इसका मतलब डब्ल्यू सब सेट भी होगा ना वी का ठीक है सॉरी तो डब्ल्यू के सारे नंबर वे में U नंबर हमने V का लिया है तो W प्लस यू किसका नंबर हुआ V का नंबर हुआ तो यहां से हम बता सकते हैं क्योंकि ये अबिरन ग्रुप है सो so W प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू आप लिख सकते हो क्लियर हमने यहां से बताया कि दिस इज राइट कोसेट ज लेफ्ट कोसेट तो जब हम कॉसेट किसको कहेंगे हमने कहा यहाँ से वी ए बिलियन ग्रुप है तो W प्लस यू क्या होगा U प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन होल्ड करेगी W भी V का नंबर है U भी V का नंबर है यानी डब्ल्यू भी सबसेट है V का तो आप लिख सकते हो W प्लस यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू देन डब्ल्यू प्लस यू इज कॉल्ड कॉसेट क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो चुके हैं ठीक है cos ऑफ wn v एंड दिस इज कॉल्ड राइट कॉसेट ऑफ wn v आप ऐसे कंप्लीट लिख सकते हो wn v ओके okay? तो ये आपके पास है कॉसेट की डेफिनेशन अब हमें यहाँ पे कोशेंट स्पेस डिजाइन करना है कोशेंट स्पेस हमने कहा कि w क्या है सब ग्रुप है सब ग्रुप है किसका v वेक्टर स्पेस का ओके okay? अगर सब ग्रुप है तो मैं यहाँ पे एक सेट लेकर चलती हूं लेट वी मोड डब्ल्यू वी मोड डब्ल्यू डब्ल्यू क्या चाहिए? होना चाहिए सब ग्रुप होना चाहिए बी द सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स हमने क्या लिया V मोड W क्या है सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स देन दिस V वी W इज कॉल्ड क्वेश स्पेस यानी कि वी मोर डब्ल्यू में किस टाइप के नंबर होंगे वी मोर डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू फॉर्म के नंबर होंगे वेयर यू नंबर किसका लिया हमने वी का नंबर लिया ठीक है सो वी मोर डब्ल्यू इज कॉल्ड क्वेश्चन स्पेस एंड इसमें जो नंबर्स हैं वो w प्लस यू टाइप के मिलेंगे हमें v मोर w की जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी w क्लियर W इट्स एडिटिव आइडेंटिटी किसकी वी mod डब्ल्यू क्योंकि हमने यहाँ पे नया यहाँ पे जिसको हम प्रूव भी करेंगे वी mod डब्ल्यू को जो वैक्टर स्पेस भी प्रूव करेंगे सो वी mod डब्ल्यू इज कॉल्ड कोशंट स्पेस जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन स्पेस ये हमें प्रूव भी करना है एक्चुअली अभी अगर आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि इसमें नंबर किस फॉर्म के होते हैं W प्लस यू फॉर्म के इसके अंदर नंबर होते हैं क्लियर दैट नेक्स्ट थ्योरम देखिए इफ डब्ल्यू इज अस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ एंड यू यू डैश बिलोंग्स टू वी देन यू प्लस डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश इफ एंड ओनली इफ यू माइनस यू डैश बिलोंग्स टू डब्ल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कहता है यू यू डैश वी के नंबर है तो अगर डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश दे दिया जाए तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर दोनों नंबर इक्वल हैं सो यू माइनस यू डैश डब्ल्यू में बिलोंग करेगा ये आपको प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो यू माइनस यू डैश अगर डब्ल्यू में है तो प्रूव करो कि दोनों नंबर इक्वल होंगे ओके तो ये हम प्रूव करेंगे सबसे पहले देखते हैं हम लेकर चलते हैं कि दोनों नंबर हमारे पास इक्वल है यू प्लस W plus U is equal to W plus U dash, where U U dash belongs to V. किसके नंबर है V के नंबर है Okay. And W plus U जो नंबर हमारे पास है यहाँ पर W है सब स्पेस कैपिटल है ये ये चीज ध्यान रखनी है आपको ये W क्या है कैपिटल जो कि सब स्पेस है V का ओके okay? लेट W बिलोंग्स टू W. मैंने W में एक नंबर लिया क्लियर So, यहाँ पे मैं डब्ल्यू नंबर लिखती हो इस कैपिटल डब्ल्यू के प्लेस है डब्ल्यू प्लस यू बिलोंग करेगा w plus U पे लिख सकते क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कैपिटल है w जो कि सब स्पेस है मैंने इसका एक नंबर लिया W तो W किससे बिलोंग कर रहा है W से और यू हमने एज इट इज रखा क्लियर दैट सो अगर W प्लस यू बिलोंग्स टू W प्लस कैपिटल W देन देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश इन डब्ल्यू प्लस यू अगर डब्ल्यू प्लस यू नंबर डब्ल्यू प्लस यू में है तो यहाँ पर दो नंबर ऐसे एक हमारे पास एक नंबर यानी कि एक कंप्लीट नंबर है डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश किस में डब्ल्यू प्लस यू में ऐसा एग्जिस्ट करेगा सो दैट W plus U is equal to W dash plus U dash. ये कंडीशन कहाँ से आई ये हमें दिया गया है क्या दिया गया है कि W प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश ठीक है वेयर W डैश बिलोंग्स टू W क्या कहा इसने देखिए W का नंबर हमने लिया तो W प्लस यू नंबर किस बिलोंग करेगा W प्लस यू में अगर मैं लेती हूं W डैश बिलोंग कर रहा है W में देन यू कैन से दैट W डैश यहां पर ये यह W डैश सॉरी W डैश W डैश प्लस यू डैश किसका नंबर होगा W डैश किसमें लिया W में प्लस यू ठीक है तो अब यू डैश सॉरी यू डैश तो W प्लस यू क्या है इक्वल है W प्लस यू डैश के तो ये नंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं ये नंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ओके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पे बता सकते हो हमने इसका यूज किया है सिर्फ इसके प्लेस फॉर नंबर्स ले लिए W के और कुछ भी नहीं है W नंबर W का W डैश नंबर W का नंबर अब यहां पे देखते हैं एज डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश ये नंबर दोनों किसके हैं डब्ल्यू के नंबर है ठीक है थीके? तो इनकी जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश बिलोंग करेगा डब्ल्यू में डब्ल्यू क्या है क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो दोनों के एडिशन किस में बिलोंग करेगी w में इसका मतलब w माइनस डब्ल्यू डैश किसका नंबर होगा w का नंबर होगा ठीक है इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट ले लो सो फ्रॉम फर्स्ट यहां से हम सॉल्व करते हैं W माइनस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू आप इसको इधर शिफ्ट कर दो U डैश माइनस यू ठीक है यहां पर अगर आपने w माइनस डब्ल्यू डैश मुझे चाहिए u माइनस यू डैश यू माइनस यू डैश चाहिए ना तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हमने यहाँ पे w माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू डैश फाइंड आउट कर लिया हम क्या करेंगे इसका इन्वर्स ले लेते हैं यहाँ पर मैंने कहा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्यों क्योंकि मुझे ये नेगेटिव चाहिए ये नेगेटिव क्यों चाहिए क्योंकि यू माइनस यू डैश करना है मुझे कंडीशन इज़ दिस यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन u u यू डैश तो w का आप उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस w w डैश डब्ल्यू का नंबर है इधर भी आप चेंज कर दो इधर क्या चेंज आ जाएगा w माइनस w डैश माइनस डब्ल्यू क्योंकि दोनों क्लोज्ड uh, होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों की एडिशन किस में जाएगी w में जाएगी ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे यहाँ से uh, u u यू कर लीजिए यू माइनस यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू का आप इधर शिफ्ट कर दो ये नंबर किसका हमने अभी बताया डब्ल्यू का नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो यहाँ पे बताओगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर ये नंबर डब्ल्यू का है ये इसके इक्वल है सो यू कैन से दैट यू माइनस यू डैश इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू यही मैं प्रूव करना था कि अगर w प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश है तो u माइनस यू डैश कैसे बिलोंग करेगा w में बिलोंग करेगा क्लियर दैट अब हम इसका पार्ट भी करेंगे और कन्वर्स पार्ट में आपको लेकर चलना है यू माइनस यू डैश का नंबर है हमें बताना है कि W प्लस यू इक्वल होगा W प्लस यू डैश के ठीक है सो कन्वर्स पार्ट इधर लेकर चलते हैं हम कन्वर्स पार्ट कन्वर्सली देखे यहाँ पर हमें दिया गया है कि यू यू डैश नंबर किसके हैं वी के नंबर लेकिन कन्वर्स पार्ट जब हम करेंगे तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ यू माइनस यू डैश बिलोंग्स टू डब्ल्यू ये कंडीशन लेकर चलेंगे वेयर यू यू डैश बिलोंग्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू किसका सबसेट है वी का सबसेट है तो यू यू डैश ऑब्वियसली वी के नंबर हो जाएंगे यहाँ पर हमें स्पेशली मैंशन करना है कि यू यू डैश हमने किसके नंबर लिए W के नंबर लिए हैं कब जब U माइनस यू डैश नंबर W से बिलोंग कर रहा है। समझ गए ये कंडीशन लेकर चलेंगे और ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे क्लियर दैट अब U माइनस यू डैश अगर W का नंबर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फॉर W बिलोंग्स टू W, एक नंबर हमने W का लिया यहां पे, देन W प्लस यू क्या किया हमने W प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू प्लस जीरो लिख सकते हैं ऐसा क्या आप इसको आ, कोई भी नंबर आपके पास है ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो लिख सकते हो ए में जीरो ऐड करोगे वापस ए ही आ जाएगा तो इसी तरीके से हमने किया है हमने यहां पे लिया कि एक नंबर मैंने लिया डब्ल्यू का कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सो डब्ल्यू प्लस यू को आप लिख सकते हो डब्ल्यू प्लस यू प्लस जीरो जीरो को मैंने लिख दिया यहाँ पे डब्ल्यू प्लस यू प्लस यू डैश माइनस यू डैश यू डैश माइनस यू डैश कीजिएगा सेम नंबर क्या आएगा आंसर जीरो आएगा इसको हमने एसोसिएट कर लिया w माइनस इसके साथ u डैश ले लीजिए सो so, u माइनस यू डैश और ये प्लस वाला जो u डैश है इसको इधर सेट कर दो ठीक है w एज इट इज u माइनस यू डैश और ये प्लस u डैश हमने अलग कर लिया सो so, अब यहाँ से हमें क्या देखना है हमें देखना है कि U- माइनस यू डैश नंबर w में हम लेकर चले थे और ये W नंबर किसका लिया आपने W का और W क्या है सब ग्रुप सब ग्रुप है तो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों के एडिशन अगर आप करोगे तो ये नंबर किस में जाएगा W में जाएगा यानी कि यहाँ से लेकर ये कंप्लीट नंबर मेरे पास किसका नंबर आ गया W का नंबर आ जाता है और इसको मैं मान लेती हूँ W डैश इसको क्या लिया मैंने W- डैश ये ले लिया कंप्लीट W- डैश दिस इज इक्वल टू U डैश तो मेरे पास आ गया W प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश आप यहां पे बताओगे डब्ल्यू डैश नंबर किसका है W का नंबर नाउ W प्लस यू क्या मैं इसको ऐसे लिख दू दोनों इक्वल है W प्लस यू बिलोंग करेगा W प्लस U डैश में W प्लस यू डैश डब्ल्यू हमने देखिए यहां पे बिलोंग का सिंबल क्यों लगाया क्योंकि मैंने यहां पे सेट लिया है जो कि सबसेट है V का ठीक है W नंबर W का है तो ये W प्लस यू नंबर किस में बिलोंग करेगा W प्लस यू डैश क्यों क्योंकि U, W प्लस यू इक्वल टू है W डैश प्लस यू डैश के तो यहां पे U के प्लेस पर मैं U डैश ले सकती हूँ क्लियर दैट सो देर फॉर हेयर डब्ल्यू यूज कर सकते हैं हम सेट क्योंकि ये नंबर डब्ल्यू का ही नंबर है U इज अ सबसेट ऑफ W प्लस यू डैश ये नंबर हमने इसमें बिलोंग यहाँ पे दिखाया कि ये नंबर इसमें बिलोंग करता है यहां पर भी अगर मैं सेट इसको सेट से डिनोट करती हूँ तो W प्लस यू सबसेट हो जाएगा क्योंकि अब दोनों साइड के आगे सेट्स आ गए हैं क्लियर दैट W भी और इधर भी हमारे पास W प्लस यू डैश सिमिलरली यू कैन सी दैट W प्लस W डैश प्लस यू डैश किस में बिलोंग करेगा W प्लस इम्प्लाइज दैट इधर मैं अगर यूज करती हूँ डब्ल्यू डैश नंबर है डब्ल्यू का डब्ल्यू प्लस यू डैश इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू प्लस यू एक क्वेश्चन नंबर दस एंड फ्रॉम ए क्वेश्चन नंबर दस ये इसका सबसेट हो गया ये इसका सबसेट हो गया क्या आ जाएगा दोनों इक्वल आ जाएंगे डब्ल्यू प्लस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि कहीं पर स्मॉल का यूज कर रहा है कहीं पर कैपिटल का यूज़ कर रहा है तो कैपिटल का यूज कब करना है ये थोड़ा सा आपको समझना है ओके थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कन्वर्स पार्ट हमें दिया गया है ये कंडीशन और आपको प्रूव करनी है डब्ल्यू प्लस यू प्लस इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश यू माइनस यू डैश नंबर डब्ल्यू का नंबर है तो यू हमने कहा कि एक नंबर हम डब्ल्यू में लेकर चलते हैं और उसको मैंने लिख दिया डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू प्लस जीरो अभी भी दोनों इक्वल हैं जीरो के प्लेस पर लिख दिया यू डैश माइनस यू डैश यू माइनस यू डैश को इकट्ठा कर लिया प्लस यू डैश अलग छोड़ दिया ये नंबर किसका हुआ डब्ल्यू का नंबर हुआ क्यों क्योंकि ये तो हमें दे रखा है कि डब्ल्यू का नंबर है और ये ऑलरेडी हम लेकर चले हैं तो पूरा का पूरा नंबर का नंबर है इसको मैंने डब्ल्यू डैश पुट कर दिया ये डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश आ गया यानी कि यहाँ से दोनों नंबर इक्वल आ गए जहां पर डब्ल्यू डैश किसका नंबर है डब्ल्यू का नंबर है अब अगर दोनों इक्वल हैं तो डब्ल्यू प्लस यू को लिख सकते हैं ये बिलोंग करेगा डब्ल्यू प्लस यू डैश में वैसे तो ये किसमें बिलोंग करता है डब्ल्यू प्लस यू में लेकिन डब्ल्यू प्लस यू इक्वल है डब्ल्यू डैश प्लस यू डैश के सो यू कैन राइट डब्ल्यू प्लस यू बिलोंग टू डब्ल्यू प्लस यू डैश डब्ल्यू यू प्लस फॉर कैपिटल डब्ल्यू अप्लाई कर दोगे तो ये सबसेट हो जाएगा डब्ल्यू प्लस यू डैश का ठीक है सिमिलरली हमें इसका कन्वर्स पार्ट यहाँ पे दिखा देना है आप सिमिलरली भी लिख सकते हो और ये स्टेप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो सो so ये दोनों जो कंडीशन है दोनों कंडीशन से हमारे पास आ जाएगा इक्वल ओके okay, तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और इस रिजल्ट का हम नेक्स्ट थ्योरम्स में भी यूज करेंगे